Hey everyone, assalamu alaikum. Welcome to the new unboxing video. This is Hanzala Sohail and you are watching Tech Lava. तो आज मैं आप लोगों के लिए नए मोबाइल की अनबॉक्सिंग लेकर आया हूँ। नया मोबाइल कौन सा है? वो है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 9। इसकी अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बताता चलूँ कि इन्फिनिक्स के जितने भी मॉडल इस वक्त न्यू आ रहे हैं, न्यूली लॉन्च जो भी हैं, वो बेशक स्मार्ट सीरीज़ है या फिर हॉट सीरीज़ है, इन्फिनिक्स अपने डिज़ाइन को चेंज करने लग गए हैं। क्योंकि जितनी भी स्मार्ट सीरीज़ सी स्मार्ट 8 तक जो है वो डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर आ रहे थे, बट यहाँ पे इन्फिनिक्स ने स्मार्ट 9 के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हॉट 50 और हॉट 50i का रिव्यू करेंगे और उसमें भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर दिया गया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसको देखते हैं कि इसमें कौन से फीचर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाले हैं। तो ये जी डिवाइस से इन्फिनिक्स स्मार्ट 9, अगर इसके फीचर्स की ओवरऑल लुक की बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। डिस्प्ले का फीचर इसमें बहुत ज़बरदस्त है और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बैक साइड पे इसमें हाइलाइटेड फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर नीचे वाली साइड की बात करें तो इसमें जो है आप लोगों को वेरियंट जो है 128 GB का मिलेगा और कलर जो मेरे पास है इसमें न्यू टाइटेनियम कलर है। और इसको कर लेते हैं अनबॉक्स वेज डिवाइस। और इसके अंदर अगर कलर्स की बात करें, ये है जी कलर, इसका टाइटेनियम कलर, यानी आईफोन से जो है वो कॉपी किया गया है इस कलर को और काफ़ी ज़्यादा डिसेंट कलर है। इसको कर लेते हैं ऑन और बाकी के बॉक्स का रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। ये है जी 10 वॉट का चार्जर और चार्जर जो है वो भी इन्फिनिक्स की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, जो अभी तक इसके अंदर जो है आप लोगों को चार्जर वगैरह मिलता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक टाइप सी की केबल मिल जाती है और यहाँ पे बैक कवर भी जो है वो सिलिकॉन का जो है वो आप लोगों को मिल जाता है। और उसके साथ साथ आपको एक सिम इंजेक्टर देखने को मिलता है यहाँ पर, जो कि इन्फिनिक्स की जानिब से है। और उसके बाद इसको कर लेते हैं साइड पर। इसकी सेटिंग को कंप्लीट कर लिया मैंने तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मोबाइल मुझे देखने को मिल लगा है। अगर इसके डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस में इसमें हमें जो वेट है वो 188 ग्राम का वेट देखने को मिला है। इसमें थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो थिकनेस इसके अंदर 8.4 mm की यूज़ की गई है। साथ ही साथ इसमें जो है आप लोगों को जो ग्लास है वो आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलेगा। बैक साइड इसकी प्लास्टिक की और इसका जो फ्रेम है वो भी आपको सारा प्लास्टिक में देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। साइड पे आपको जो सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है, जो कि नैनो सिम्स आप इसमें दो यूज़ कर सकते हैं और साथ में एक आप इसमें मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.5 mm का एक जैक देखने को मिल जाता है, साथ में आप लोगों को एक माइक देखने को मिल जाता है, टाइप सी की पोर्ट देखने को मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, यानी कि ये मोबाइल आप लोगों को ड्यूल स्पीकर्स में देखने को मिलेगा। और साइड पर आप लोगों को वॉल्यूम रॉकर देखने को मिल जाता है और साथ में आप लोगों को यहाँ पे फिंगरप्रिंट या फिर पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। अगर डिस्प्ले की इसकी बात करते हैं तो डिस्प्ले हम लोगों को इसमें IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिलता है, बट यहाँ पे इन्फिनिक्स की जानिब से एक बहुत अच्छी चीज दी गई है कि लो प्राइस के अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो 60-90 Hz का देखने को मिलता था, बट यहाँ पे इन्फिनिक्स ने जो है छोटे प्राइस टैग के अंदर आप लोगों को जो डिस्प्ले है वो 120 Hz का प्रोवाइड कर दिया, यानी 120 Hz के रिफ्रेश रेट के अंदर आप लोगों को जो स्मूथनेस है, ब्राइटनेस है, वो 500 nits पीक की मिलेगी। डिस्प्ले के साइज की बात करूं तो 6.7 inches का आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जिसमें बॉडी रेशियो जो है 84.8% की यूज की गई है। रेजोल्यूशन की अगर बात करूं मैं तो रेजोल्यूशन इसमें आप लोगों को 720x1600 का डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसमें मैं प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो प्लेटफॉर्म इसके अंदर आप लोगों को मीडियाटेक वो हेलियो G81 का प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा, जो कि एंड्रॉयड 14 के अंदर बेस करता है और गो एडिशन आप लोगों को इसमें यूज करने को मिलेगा, यानी कि 14 का जो गो एडिशन है वो आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं। बैटरीज की अगर मैं बात करूँ तो बैटरी इसमें 5000 mAh की बैटरी यूज की गई है, जो कि 10 वॉट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। टेक्नो ने जो है अपना वॉट्स जो है वो 10 से 15 कर दिए, तो इन्फिनिक्स अभी तक 10 पे अड़ा हुआ है। शायद आने वाली डिवाइसेस के अंदर 15 वॉट का चार्जर जो है आप लोगों को मोबाइल में दें। डिस्प्ले
के अंदर आप लोगों को छोटी डिवाइस के अंदर एक और चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, वो है IP54 की रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंस तो नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आप लोगों को डस्ट रेजिस्टेंस जरूर मिलेगी। आप लोगों को तकरीबन एक ही वेरियंट देखने को मिलेगा, 128 GB का वेरियंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और जो रैम है वो आप लोगों को एक्सपेंडेबल रैम मिलेगी 4+4 को, यानी 8 GB रैम तक इस मोबाइल को यूज कर सकते हैं। कैमरास की मैं बात करूं तो कैमरा इस वक्त हम लोगों को दो कैमरा देखने को मिलते हैं यहाँ पे, एक 13 MP का कैमरा है और सेकंड कैमरा जो है वो आपको शायद 2 MP का देखने को मिलता है। बट इससे पहले जो स्मार्ट 8 था वो उसमें आप लोगों को यहाँ पे भी एक कैमरा देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ओनली 2 कैमरास का आप लोगों को स्पॉट देखने को मिलता है। अगर कैमरा की क्वालिटी की मैं बात करूं तो वीडियो के अंदर आप लोगों को 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, जो कि 30 FPS के अंदर वीडियो को सपोर्ट करेगी, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे AI कैम देखने को मिल जाएगा, ब्यूटी इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाएगी, और पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, आप लोगों को इस मोबाइल के अंदर नाइट मोड देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट कैमरा की मैं बात करूं अगर, तो फ्रंट कैमरा के अंदर AI कैम आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ब्यूटी देखने को मिल जाती है, और उसके बाद पोर्ट्रेट मोड भी देखने को मिल जाता है, वाइड एंगल तक आप लोगों को इस मोबाइल के अंदर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बैक कैमरा के अंदर आप लोगों को पैनोरामा की भी जो फैसिलिटी है वो देखने को मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट की अगर मैं बात करूं तो फिंगरप्रिंट इसके अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इसमें यूज किया गया है, जो कि पावर ऑन के बटन के साथ है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को कलर्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को 3 कलर देखने को मिलेंगे, मेटेलिक ब्लैक, और मेरे पास जो कलर है वो न्यू टाइटेनियम कलर है, और इसके अलावा यहाँ पे तीसरा कलर जो है मिंट ग्रीन आप लोगों को कलर देखने को मिलेगा। अगर प्राइसेस की मैं इसमें बात करूं, यहाँ पे इन्फिनिक्स ने प्राइसेस के हवाले से भी बहुत अच्छे तरह प्ले किया है, और यहाँ पे आप लोगों को जो प्राइसेस हैं वो भी काफी ज्यादा स्मार्ट मिलने वाली हैं, क्योंकि स्मार्ट के साथ साथ आपको प्राइस भी स्मार्ट मिलनी चाहिए, तब जाके मोबाइल परचेज होता है, और ये 4G की सबसे सस्ती डिवाइस जो है इंट्रोड्यूस की गई है इन्फिनिक्स की जानिब से। अगर इसके स्पीकर्स की मैं बात करूं तो स्पीकर्स के अंदर आपको इसमें ड्यूल स्पीकर देखने को मिलता है, जो इन्फिनिक्स का कहना है इसमें आपको 300% तक का वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों को वॉल्यूम इतना मिलता है या नहीं मिलता। बट ये सोच उनकी गलत थी, क्योंकि टेक्नो यार वॉल्यूम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वॉल्यूम 200% तक तो ओके है, बट यहाँ पे वॉल्यूम काफी ज्यादा गूंज रहा है और एक दूसरे के साथ जो है वॉइस ऐसे टकरा रही है, यानी वॉल्यूम जो है वो सारा ऐसे लग रहा है जैसे ऐसे टकरा रहा है एक दूसरे के साथ, बट 200% तक आप लोगों को वॉल्यूम देखने को इसमें मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर मैं NFC की बात करूँ तो NFC इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। प्राइसिंग की मैं बात करता हूँ तो प्राइसिंग आप लोगों को सऊदी मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस है वो 340 रियाल तक मिलेगी, यानी कि आप लोगों को टाइटेनियम कलर है वो अच्छा मिलेगा। काफी ज्यादा मोबाइल जो है वो ठीक है कि अगर आप लोग किसी को गिफ्ट वगैरह भी देना चाहते हैं, या खुद के यूज के लिए अगर आप छोटे यूजर हैं मोबाइल के, सिर्फ कॉल्स वगैरह करने के लिए आप मोबाइल को रखना चाहते हैं, तो ये मोबाइल आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो ये था ओवरऑल रिव्यू आज के मोबाइल का, इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हॉट 50 का रिव्यू लेकर आऊंगा। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।